नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट क्लासेज स्टडीज़ में। आज अपनी मैथ की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। हम इसे दो या तीन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हाल ही में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज वगैरह के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। उसमें मैथ्स के कई सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं और वो भी बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है। और आज हम एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ने वाले हैं, वो भी बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम, इसको हिंदी में लेसेप है, लघुतम समापवर्तक भी बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसको बोलते हैं मेसेप है, महत्तम समापवर्तक है। सबसे पहले हम एक बार लघुतम को देखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जैसे हम लेते हैं कि 12 के बाद में एक संख्या और ले ली, मान लो मैंने ले ली 6। अब अपने को बोला गया है कि इसका हमें लेसेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लेसेप है वह छोटे से छोटा गुणज जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या होता है? लेसेप है। अब देखिए 12 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो सबसे पहले आती हो और उसमें 6 का और 12 का भाग, दोनों का भाग जाता हो। तो वह संख्या कौन सी है? आप बता सकते हो कि वह संख्या 12 है। 12 में देखिए 12 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 6 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। एलसीएम और एचसीएफ ऐसी चीज़ें दोनों वो आपके हर चैप्टर में काम में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कई भिन्नों वाला चैप्टर आ गया कि 1/2 + 2/4, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके किसी भी चैप्टर में, आपको पता है भिन्नें बन सकती है, तो वहाँ पर आप नीचे वाले का क्या लेते हो? एलसीएम लेते हो। आज हम वो तरीका जानेंगे कि एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ के खुद के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बोला गया है कि 12 और 6 का लेसेप ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, और आपने बता दिया वो 12 होगा। लेकिन इस 12 को हम कितने तरीके से ढूंढ सकते हैं वो देखिए। आपने अब तक ये सीखा होगा कि 12 और 6 को हमेशा ऐसे लिखना है और इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हुए चलेंगे। सबसे छोटी संख्या से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 6। फिर इसमें 2 का भाग हम लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और ये 3 ऐसे के ऐसे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 3 का भाग तो एक बार गया दोनों में, एक एक बार गया। और अब हम बाहर वाली संख्या का गुणा करेंगे 3 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम, लेसेप, ठीक है दोस्तों। अभी बेसिक से चल रहा है, आपको कुछ लगेगा, कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं आता होगा। तो देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे की चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपने 12 और 6 का एलसीएम निकाला, कितना आया? 12। आप यहाँ से समझे क्या कि हमें एक ऐसी नई संख्या ढूंढनी है, नई संख्या ढूंढनी है जो सबसे इन नंबर्स के बाद में आए, यानी कि सबसे पहले वो ऐसा गुण जाए जिसमें 6 का भाग भी चला जाए और 12 का भाग भी चला जाए। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है? इसका दूसरा तरीका, पहला तरीका आपको आ गया होगा, ये बड़ा तरीका है लेकिन फिर भी बड़े क्वेश्चन में इसी प्रकार से हमें करना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। अब देखो एलसीएम का मतलब आप समझ चुके हैं कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिस जो भी संख्या आएगी, मान लो ये एक्स आएगी, इस एक्स में इस 12 का भी भाग जाना चाहिए और 6 का भी भाग जाना चाहिए। तो दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए आपके कि एलसीएम यदि आप ज्ञात कर रहे हो तो सबसे बड़ा नंबर है ना एलसीएम, या तो ये खुद होगा या इससे भी कोई बड़ा होगा, कभी भी ये छोटे वाला नंबर एलसीएम नहीं हो सकता। यदि मान लो कोई क्वेश्चन बड़ा सारा आ गया और डायरेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, बाकी सब एलसीएम से छोटे और एक इन सब के एलसीएम से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो बड़े वाला। जैसे मान लो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आपके ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया मैंने 12, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया मैंने 6, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया मैंने 3 और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया मैंने 4। आपके 4 किसी का मान लो मैंने दे दिया 2, आपको मैंने पूछा एलसीएम बताओ, दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, एग्जामिनर हमेशा यही करता है, बड़ी संख्याओं का एलसीएम पूछेगा और आपको करना क्या होगा, वहाँ पर 3 ऑप्शन ना गलत करने हैं, एक सही करना है। आपको पता है कि 6 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 6 से छोटा तो वैसे नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ दिमाग में ये आनी चाहिए कि 6 से एलसीएम क्या होगा? बड़ा होगा, 6 से तो बड़ा होगा लेकिन कहाँ तक? 12 तक।
बारह तक बड़ा होगा या बारह से बड़ा, यानी कि दिमाग में ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि जो भी ऑप्शन है इस बारह से डिविजिबल होने चाहिए। क्या छः तीन और दो बारह से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, बारह से क्या कट रहा है? केवल बारह कट रहा है। अगर इसी सिचुएशन में आपको यहाँ चॉइस दिया हुआ रहता, बाकी सब छोटे दिए हुए नंबर रहते, तो आपका एलसीएम क्या आता है यहाँ पे? चॉइस आता। आगे बात समझ में दोस्तों, एलसीएम अच्छे से समझ में आया। अब देखिए आपको नई बात सिखाते हैं आज, 12 और 6 का आपको एलसीएम ज्ञात करना। तो आप सबसे पहले बड़े नंबर देखिए, ये लिए आपने बड़े नंबर, अब आपको पता है इस बड़े नंबर को ऐसे कैसे लिखना है। अब बाकी के छोटे नंबर्स का अगर इसमें भाग जा रहा है तो यही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। इसमें खुद का भाग तो जाएगा, क्या 6 का भाग यहाँ पे जा रहा है? जी जा रहा है। इसका मतलब इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अब आइए एलसीएम के अंदर ही हमने संख्याओं का एलसीएम लेना स्टार्ट कर दिया, एक गुणनखंड विधि से एलसीएम मोड़ लेते हैं। गुणनखंड विधि से अलग अलग संख्याओं का एलसीएम लेकर कॉमन निकालना, उसे भी हम एलसीएम कहते हैं। जैसे आपको मैंने 12 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए दिया था, आप कैसे निकालते? 12 लिखते, 12 के गुणनखंड करते आप 2, फिर आया 6, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 3, इसके 2 × 2 × 3 ये गुणा बने। इसके आगे चलते हैं, 6 का निकालो, 2 का गया 3, 3 का गया 1, यानी कि इसका क्या आया? 2 × 3। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे कि 12 बराबर आपके पास क्या बना? 2 की घात 2 × 3, 3 की घात 1। 6 के लिए आपके पास क्या बना? 2 की घात 1 × 3 की घात भी 1। अब एलसीएम यदि आपको निकालना है, एलसीएम पहले आप देखिए, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? एलसीएम आपको लेना है तो हमेशा बड़ी घात देखनी है, 2 की बड़ी घात सबसे कौन सी आ रही है? 2 आ रही है, तो आप इसे ले लीजिए 2 की घात 2। बाकी के जितने भी 2 है या नीचे और भी संख्या होती, बड़ी घात यदि 2 की 2 ही आ रही है तो बाकी के कोई से भी 2 आपको नहीं लेने हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा है, 3 है, 3 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 1 है, 3 की बड़ी से बड़ी घात आपने ले लिया, बाकी के सब छोड़ दो। अब देखो 2 की पावर 2 यानी कि 4 × 3 बराबर कितने हुए? 12। यही आपका क्या आया था? एलसीएम। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है एलसीएम से संबंधित, एकदम बेसिक्स ये लो पहला क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ दोस्तों कि आप एलसीएम निकाल पा रहे हो? किसी भी विधि से निकालो, किसी भी विधि से निकालो, एलसीएम निकालना है आपको। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ कि 15, 18, 24, 27, 36 15, 18, 24, 27, 36 अगर आपके आंसर आ गया तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको एलसीएम समझ में आ गया। अब इसका आपको एलसीएम निकालना, तो एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 36 है सबसे बड़ी संख्या। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 36 से एलसीएम या तो 36 होगा या 36 से कोई बड़ा होगा, 36 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। आप देख लो 36 को एलसीएम मानते हो तो क्या 15 का भाग 36 में जाता है? नहीं जाता। 18 का भाग 36 में जाता है? बिल्कुल। 24 का नहीं जाता, 27 का नहीं जाता, तो 36 का क्या करेंगे? डबल। इस प्रकार से आप गुणा कर करके भी एलसीएम निकाल सकते हो। यदि ऐसे नहीं निकालना है तो लगाओ 2 का भाग 15 में नहीं जाता, 18 में जाता, 9 आए 24 में जाता, 12 आए 27 में नहीं जाता, 36 में दिया 18 आया। इसके आगे फिर आपने 2 का भाग दिया तो आप यहाँ पे देखते हो यहाँ 15 ऐसे कैसे, 9 ऐसे कैसे, 12 का 6 हो गया, 27 का 27 रह गया, 18 का 9 हो गया। अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो आप इसमें 2 का भाग दीजिए, 15 ऐसे कैसे, 9 ऐसे कैसे, 6 का 3 बन गया, फिर 27 का 27, फिर 9। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर भाग देते हुए बढ़ना है, 3 का भाग लगाइए, आपके पास आया 5, आपके पास आया 3, आपके पास आया 1, फिर आपके पास आया 9 और फिर आपके पास आया 3। फिर आपको इसमें वापस 3 का भाग लगाना है तो आपको पता है यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ 5 के 5। यहाँ आपको पता है, देखो इतना करने के बाद आगे मत करना क्योंकि अब 3 और 5 दो संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। अब सबका गुणा कर लो, 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, इस 3 को भी यहाँ लेकर आना है, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये संख्या जो भी आएगी वो आपका क्या होगा? एलसीएम। आप देख सकते हो 2 की पावर कितनी होती है? 8 होती है, 3 की पावर कितनी होती है? 27 होती है, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और × 5। इसको आप गुणा कर लो, इसको आप गुणा करोगे तो वही आपका एलसीएम आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका गुणा आप कर लेना। देखो
आठ पंजे कितना होता है 40 इंटू 27, गुणा से नहीं पहले 27 आठ को करो, देखो पीछे जीरो आ रहा है जो इजी बन रहा है उसे करो ना। अब देखो जीरो का जीरो ऐसे कैसे लिख दो, सात चौक कितना होता है 7 × 28 हुआ, 7 × 1 कितना हो रहा है 28 हुआ, सही किया ना हमने, कहीं देख लो गड़बड़ ना हो जाए कहीं पर भी। इसके बाद में देखो आठ पंजे 40 कर दिया हमने, 7 × 28 हाँ से लगी 2, 4 × 2 = 8, 9 = 10, 1080 आपका क्या आ गया एलसीएम, 1080 वह है छोटी से छोटी संख्या है जिसमें किस किस का भाग जाएगा, 15, 18, 24, 27, 36 का एक साथ भाग जाएगा। एलसीएम कंप्लीट दोस्तों। एलसीएम से संबंधित दूसरा पद, हमें संख्याओं का एलसीएम लेना आ गया कोई दिक्कत नहीं, अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है दूसरा बिंदु वो लिख, पहला तो हो गया संख्याओं का एलसीएम, अब हमारे पास आता है भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम। दोस्तों भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम कहने का मतलब है जैसे 1/2, 5/7, 3/4 इनका एलसीएम लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, भिन्नों का एलसीएम पूछे तो दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए एलसीएम, एलसीएम भिन्नों का करना है तो आप क्या लिखोगे, भिन्नों का एलसीएम, अच्छा मैंने लिख दिया ऊपर भिन्नों का एलसीएम है, एलसीएम निकालना तो एलसीएम बटे एचसीएफ करना है आपको, एचसीएफ। जब भिन्नों का एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर ही रखना है बटे में क्या कर दो एचसीएफ। जैसे आप अगर क्वेश्चन देखिए और एक क्वेश्चन करिए, आपको निकालना है एलसीएम, आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए और आपको बोले कि निम्न भिन्नों का एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना तो एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि अब तक हम बेसिक से चल रहे हैं, हमने एलसीएम सीखा एचसीएफ नहीं सीखा, तो पहले हमें एचसीएफ सीखना पड़ेगा। आइए पहले एचसीएफ सीखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्या सीखेंगे एचसीएफ। एक बार क्वेश्चन वापस हटा दिए, आपको सीखना है अभी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड या वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो उन संख्याओं को डिवाइड कर सके, जो उन संख्याओं को विभाजित कर सके, और वह कैसा होना चाहिए बड़ा से बड़ा। जब हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हम वो भी ज्ञात करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिनका भाग देने पर ये शेष बचता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से बहुत सारे बनते हैं, तो आप कंटिन्यू क्लास ले लीजिए दोस्तों। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह आपके लिए बनाई हुई तो वहाँ से जाकर आप मैथ साइंस के वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ होता है महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा, समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य आपको निकालना है, तो मैं आपको पहले जैसे 12 और 6 से ही बता देता हूँ। आप इन दोनों के ऐसे गुणनखंड करो और वो गुणनखंड क्या होना चाहिए, सबसे बड़े और दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। तो आपको एचसीएफ सीखना है दोस्तों तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कम से कम मैं यहाँ पर 2 से 3 तरीके बताऊँगा, जो आपको पसंद आए वो उससे आप एचसीएफ कर लो। मैं एक बार इस क्वेश्चन को वापस मिटा रहा हूँ, एलसीएम से पहले हम एचसीएफ सीखते हैं उसके बाद में भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो एचसीएफ में आपको करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, तो मैंने कहा 12 और 6 का एचसीएफ बताओ। अब 12 के लिए आप ये लिख सकते हो 12 में किस किस का भाग जाता है, 12 के फैक्टर करें तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग भी जाता है, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 12 में 4 का भाग भी जाता है, 12 में 5 का नहीं जाता, 6 का भी जाता है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 खुद का भाग जाता है। इसके साथ संख्या क्या है 6, आप मेरे को बता सकते हो कि 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, स्वयं 6 का भाग जाता है, स्वयं 6 का भाग जाता है। हमें पीछे से देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए बड़ा से बड़ा, इसमें बड़ा से बड़ा 12 है लेकिन इसमें बड़ा से बड़ा क्या है 6, तो हम इसका 6 लेंगे। कॉमन
क्या छह कॉमन आ रहा है? छह कॉमन आ रहा है दोनों में, ये लो कॉमन। ये दोस्तों क्या हो गया? एच सी एफ। किसका एच सी एफ क्या आया? छह आया। ये हुआ अपना पहला तरीका। पहले आपको ये देखना है दोनों संख्या लिखनी है। अब एलसीएम में तो आपने ये सीखा था कि जो बड़ी संख्या है एलसीएम या तो ये होगी या इससे बड़ी होगी। लेकिन आपको मैं एच सी एफ की अगर बात बताऊं तो एच सी एफ के लिए आप ध्यान रखोगे कि सबसे छोटी संख्या से छोटा एच सी एफ नहीं हो सकता। एच सी एफ सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि छोटी संख्या से एच सी एफ हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। दूसरी बात, एच सी एफ एक बड़ी बात का ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर लिख रहा हूं। आपके दिमाग में यह आया होगा कि एच सी एफ 12 हो सकता है। ध्यान रखना, एच सी एफ होगा ना वो छोटी संख्या, छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। सॉरी दोस्तों, मैंने पहले छोटी संख्या से छोटी बता दिया, छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। क्या? छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता एच सी एफ। ये एच सी एफ के बारे में आप ध्यान रखोगे। आप देख सकते हो छोटी संख्या क्या एच है, क्या छह से बड़ा एच सी एफ है? क्या नहीं है, क्योंकि छह के आगे वेक्टर ही नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से समझते हैं। दूसरी विधि से ऐसे समझो कि आपको यहाँ पर लेना क्या है, छह छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या के आप केवल केवल छोटी संख्या के गुणनखंड कर लो, एक दो तीन और छह। छह में किन किन का भाग जाएगा? एक का, दो का, तीन का और छह का। आप पीछे से चलो, इस छह को आप लेते हो तो ये छह दोनों को डिवाइड कर रहा है तो यही एच सी एफ है। ये नहीं कर रहा तो इसको कैंसिल कर दो, ये कर रहा तो ये एच सी एफ है। ये नहीं कर रहा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, ठीक है। आपने देखा कि छह, क्या छह इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है दोनों को? जी कर रहा है। यही आपका क्या है? एच सी एफ है। दो विधियाँ होगी। तीसरी विधि देखो, तीसरी विधि होती है एच सी एफ निकालने में, आप लिखो 12 और 6, ये विधि। तीसरी विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसी संख्या का भाग लगाना है कि दोनों में एक साथ जाए। देखो दोस्तों, यहाँ कौन सी संख्या हो सकती है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे? वो हो सकती है दो। एक साथ डिवाइड होनी चाहिए, जहाँ भाग नहीं जाता वहीं रुक जाओ, 6 और 3। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों में एक साथ भाग, जिस संख्या का दोनों में एक साथ भाग जाए? तो आप बोलोगे, सर हमारे पास 3 है जो यहाँ पर 2 और 1 बार काटता है। अब आप 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि दोनों में एक साथ भाग नहीं जाता। इस विधि को यूज करते हो आप एच सी एम में तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों या संख्याओं में एक साथ भाग जाना चाहिए। अब देखो, आपके पास है 2 × 3 = 6, यही आपका क्या है? एच सी एफ है। आगे दोस्तों, एच सी एफ समझ में, इसके आगे हम चलते हैं। 12 और 6 की अगली विधि एच सी एफ निकालने की, आप सीखते चलो बस। आगे जब क्वेश्चन करोगे तब एच सी एफ और एल सी एम आपके दिमाग में होंगे। चलिए दोस्तों, 12 और 6 का फिर से एल सी एम एच सी एफ देखते हैं। 12 और 6 का एच सी एफ भाग विधि से हम करें तो बड़ी और छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या 12 में छोटी संख्या का भाग दे दो, ये लो छोटी संख्या का। यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो यही क्या हो गया आपका? यही क्या हो गया आपका? एच सी एफ, ठीक है दोस्तों। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस विधि से, मैं आपको डिटेल से क्वेश्चन समझा दूंगा कि कैसे ये विधि काम में ली जाती है। इसके अलावा कॉमन लेना कैसे? कॉमन गुणनखंड विधि से। 12 का आप अलग से निकालो, 2 का भाग दिया कितने आए? 6 है। 2 का भाग दिया कितने आए? 3 आए। फिर 3 का भाग दिया, आपके पास आया 2 × 2 × 3, ठीक है। इसके बाद में आप 6 में देखते हो तो 6 में देखो 2 और 3, ये है। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 1, 2 आप बाहर निकाल लो। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, छोड़ दो। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 1, 3 को आप बाहर निकाल लो, ये आ गए 6 और यही आपका क्या है? एच सी एफ। मैंने दोस्तों आपको 4 से 5 विधियाँ यहाँ बता दी है एच सी एफ निकालने की, जो आपको एच सी एफ में पसंद आए उससे आप एच सी एफ निकाल लो। अपन अपना भिन्नों वाला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये लो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हल करके बताओ मेरे को कि यहाँ पर आप क्या करोगे।
यहाँ आपको पूछा HCF, कौन सी विधि आपको बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कितना जल्दी आंसर कर पाते हो। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, 86, 124, 140 का HCF, जिससे आप फास्ट से फास्ट भाग दे सको वो निकालना आपको दोस्तों। कौन सी विधि आपको बेटर लगी, पांच विधियां मैंने बता दी, वीडियो को रोको, रोकने के बाद आप पांचों विधियों से इनको करके देखो। मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे अपन लेते हैं इस विधि से, यहां दो विधि मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में हम भिन्नों वाला करेंगे। यहां देखो हम इस विधि से करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढो तीनों में एक साथ काटे तो वो है दो, दो एक साथ काटता है, दो का भाग 84 में गया तो 42, दो का भाग 126 में गया तो कितना होता है 63, दो का भाग 140 में गया कितना आया 70, फिर दो का भाग जा रहा है नहीं जा रहा 63 में नहीं जाता, तीन का भाग जा रहा है देख लो दोस्तों 30 और 12 जा रहा है, यहाँ तीन का भाग जा रहा है 60 और 10 नहीं जाता, सात का भाग देख कर देखो देखिए जा रहा है क्या, कितना आया 7 × 35, 7 × 42, 7 × 9, 63, 7 × 10, 70, कितना आया दोस्तों यहाँ पर, एक साथ हमने भाग दिया ऐसी संख्या का भाग एक साथ भाग जाना चाहिए, बस बात खत्म, आपका HCF आ गया। यहाँ कौन सी संख्या का भाग जा रहा है एक साथ, नहीं जा रहा, 7 × 2, एक बार आप स्वयं निकाल कर देखिए आपका HCF यहाँ क्या आ रहा है, कितना टाइम लगा इस HCF को निकालने में, बिल्कुल समय नहीं लगा। मैं इसी को दूसरी तरीके से बता देता हूँ दोस्तों, देखो ये मत सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर HCF और LCM इस कदर सीखेंगे कि जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने कहा था दो छोटी संख्याएं ले लो और भाग विधि लगा दो, भाग विधि ये भी बेस्ट आइडिया है, देखो कैसे 126 में उससे छोटी संख्या का भाग दे दो 84, दोनों छोटी संख्याएं लेनी है हमेशा, 84 का भाग आपको पता है एक बार गया, 84 का आपने भाग दिया यहाँ बचे दो, और 12 में से 8 गए आपके पास बचे 4, अब इस 42 को भाजक मान लो और 84 को यहाँ लेकर आ जाओ और 42 का भाग 84 में दे दो, 42 का भाग किस में दे दो 84 में दे दो, 42 का भाग आपने 84 में लगा दिया, चलो आपने भाग लगाया 42 का 84 में, और कितना आ रहा देखो दो बार जा रहा है 40 × 80 और 84, यहाँ पर आपके पास क्या आया 42, क्या है दोस्तों 42। इसके बाद में आप लोग 42 और 140 इसमें आपको लग रहा होगा कि थोड़ा समय लग रहा है, लग रहा होगा इसका, चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार, भाग गया यहाँ पर 4 × 8, 4 × 3, 12, 120 और 6, 126 बचे कितने दोस्तों यहाँ पर 14 बचे, बचे कि नहीं बचे, अब आप 42 को यहाँ लेकर आ जाओ और भाग लगाओ 14 का, 14 का भाग कितना जाता है 10, 20, 30, 4 × 3, 12, 3 बार भाग गया, लास्ट में ऐसी संख्या जिसने पूरा डिवाइड किया वो है 14, और आपका HCF क्या आ गया 14, आया कि नहीं आया दोस्तों, आपका HCF क्या आ गया 14। ये थी आपकी HCF की विधि, अब दो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो मैं लिख देता हूँ, और इस क्लास में उसी के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में डिटेल से, जिसके एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। पहले मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका था, पहला बिंदु ही लिख लो आप, सेकेंड दो LCM और HCF करा दिया, तीसरा बिंदु मान लो उसको कि भिन्नों का LCM, दोस्तों ट्रिक नहीं है, दिमाग में ये रखना, भिन्नों का कभी LCM पूछे तो LCM ऊपर रखना हमेशा, जो पूछे उसको ऊपर रखो, बचा हुआ नीचे लिख दो। अच्छी, अब आपको चौथा बिंदु ये पूछ सकता है कि भिन्नों का, ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूँ आपको, HCF, जब भी भिन्नों का HCF पूछे तो जो पूछा उसको ऊपर रखो HCF बटा LCM। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन देखिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है दोस्तों जल्दी से निकालिए इस क्वेश्चन को, 11 × 14, 55, 33, 44, 55, 33, 44, आप निकालते रहिए, 42, 35, 63, 42, 35, 63, का LCM निकालो, का LCM, LCM पूछा LCM ऊपर रख दो, LCM ऊपर रख दो, बचा हुआ HCF होगा बटे में,
एलसीएम बटे एचसीएफ, आपको एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर रखो, तो 11, 55, 33 और 44 में आपको पता है 55 में सबका भाग जा रहा है क्या, सबसे बड़ी है 55 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो 55 एलसीएम होगा नहीं, फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ देखिए यहाँ आपके पास है 11, 55, फिर 33, फिर 44, आप यहाँ पर भाग देना स्टार्ट कीजिए। दो का आपने भाग दिया तो 11, 55, 33, 44 का आधा कितना हो गया 22, फिर दो का आपने भाग दिया यहाँ 11, यहाँ 33, यहाँ 55 और यहाँ 11। अब आपको पता है तीन का भाग जा रहा है यहाँ 11, यहाँ 55, यहाँ तीन का भाग जा रहा है कितनी बार, 11 बार और यहाँ 11। फिर आप इसमें दोगे पाँच का भाग और सारी जगह क्या आ गया 11, 11, 11, 11, फिर आप 11 का भाग लगाओगे एक 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 एक। अब आपको पता है यहाँ से आप कर लो 2 × 2 = 4, 4 × 3, मैं लिख देता हूँ इसको 2 × 2 × 3 × 5 × 11, ये क्या आ गया एलसीएम। और एचसीएफ वह छोटी से छोटी, एचसीएफ यानी कि आप बोलो तो उसको बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सबसे बड़ा मल्टीपल, ठीक है। तो देखते ही पता चल रहा है कि 14 से बड़ा तो एचसीएफ हो नहीं सकता, तो आप ये देख लो 14 से सब कट रहे हैं क्या, 14 के पहाड़े में 35 नहीं आता, 14 के पहाड़े में 35 नहीं आता। मैंने कहा था एचसीएफ निकालना बहुत ईजी है दोस्तों, एचसीएफ के लिए आप सबसे छोटी संख्या लिखो 14, 14 में किस किस का भाग जाता है देख लो, एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का, चार का, पाँच का, छः का, सात का जाता है, स्वयं 14 का जाता है। 14 से सभी संख्या नहीं कट रही है तो 7 को उठाओ, 7 से सभी संख्या कट रही है तो एचसीएफ क्या आ गया 7। यही आपका दोस्तों क्या हो गया उत्तर हो गया दोस्तों। आगे बात समझ में दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें या फल कर लेना, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 × 11/7 = 660/7 आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ का, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जल्दी से निकालिए और मुझे बताइए जब भिन्नों का एचसीएफ पूछे 14 42 21 14 42 21 / 33 55 22 33 55 22। आपको बताइए इनका एच सी एफ आपसे पूछा है तो आप भी क्या निकालने वाले हो, एच सी एफ बटे एल सी एम, जो पूछा उसको ऊपर रखो हमेशा। एच सी एफ तीनों में छोटी संख्या देखो कौन सी है 14, तो 14 को 14 के अंदर किस किस का भाग जाता है, एक का जाता है, दो का जाता है, सात का जाता है और 14 का जाता है। आप उठाओ 14 को, क्या 14 का भाग 14 में जाता है, जी जाता है, 42 में जाता है, जाता है, 21 में जाता है, नहीं जाता, तो 14 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 7 उठाओ दोस्तों, 7 उठाया आपने, 7 × 2 = 14, 7 का भाग इसमें भी जाता है, 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21, आपको पता है 7 का भाग जा रहा है मतलब एचसीएफ क्या हो गया 7। अगर ऊपर 7 आ रहा तो लगभग आपके तीन ऑप्शन ही क्या हो जाते हैं यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं 7। अब नीचे देखिए बटे में इनका लेना है एलसीएम, 33, 55 और 22 33, 55 और 22, जब ऐसी सेम संख्या हो तो सेम संख्या का भाग दे दो 11 का 3, 5 और 2। अब बची हुई संख्या किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 2 का जाएगा, या 2, 3, 5 का पहले भी दे सकते थे, लास्ट में आपको 11 का ही देना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आया 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 11, 30 × 11, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 11 बराबर आपका उत्तर हो गया 7/330। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये एलसीएम और एचसीएफ आप समझ गए। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, उसके बाद में आपको एक बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट भी इसमें जो बचे हैं वो सारे क्वेश्चन हम एलसीएम एचसीएफ में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करना नहीं भूले अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।